धाम में गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। करीब 3 लाख श्रद्धालु बागेश्वर धाम में अपने गुरु का आशीर्वाद लेने पहुंचे। मध्य प्रदेश और यूपी ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र से भी श्रद्धालु यहां आए हैं। उनके मुताबिक वो पिछले 2 साल से लगातार यहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के नशा मुक्ति और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से उनकी सोच को प्रभावित किया है। इस मौके पर धाम में श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। क्या होता है, थोड़ा और आप इंतजार कीजिए। और पूरी रात और कल भव्य आयोजन हुआ है। तो इस समय गढ़ा बागेश्वर धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव 1 जुलाई से शुरू हो गया था जो कि 5 जुलाई तक चलेगा, यानी कि 5 दिन का ये महा महोत्सव है जहां पर पूरे देश भर से श्रद्धालु और बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के चाहने वाले यहां पर लगातार आ रहे हैं। ऐसे तमाम लोग हमारे बीच में है, एक महाराष्ट्र की एक पूरी टीम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और उनका आज का आने का प्रयोजन क्या है। जी, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश वानखेड़े, उमरेड तहसील, डिस्ट्रिक्ट नागपुर, महाराष्ट्र से हूँ। आज का आने का प्रयोजन क्या था, कितने लोगों की टीम आपकी है? हमारी ये 12 लोगों की यहाँ पे टीम है, पूरी यहाँ पे आई हुई है। आने का प्रयोजन एक ही था कि गुरु पूर्णिमा की महिमा सबको मालूम है और हमारे परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो हमेशा एक संदेश देते थे कि माता पिता और गुरु, इनकी सेवा होनी चाहिए और इन छोटी छोटी चीज़ों से ही हम लोग हमारा राष्ट्र निर्माण में जो योगदान है हम लोग गुरुदेव के साथ में खड़े रह सकते हैं और हमारा योगदान दे सकते हैं जो वो समाज के लिए कर रहे हैं कि माता पिता की सेवा। आज जो वैल्यूज़ कम हो रही है हमारे समाज में, जो एक कल्चर वो डेवलप करना चाहते हैं कि अपने माता पिता और गुरु के प्रति लोगों की जो आस्था विश्वास और श्रद्धा बढ़ाना चाहते हैं उसी को लेके, उसी मैसेज को लेके हम लोग आए हुए हैं और उन्हीं के मैसेज को फॉलो करने के लिए हम लोग आए हुए हैं कि हमारी भी श्रद्धा हमारे गुरुदेव में है। जैसे हमारे गुरुदेव की श्रद्धा से हमारा लाइफ परिवर्तन हुआ है, हमारे लाइफ में अनुग्रह बदल आया है, वैसे इस देश की जनता में भी आएगा। और गुरुदेव का जो एक संकल्प है कि व्यसन मुक्ति करना, युवकों में नई जागृति लाना, माता पिता और गुरु के प्रति आदर निर्माण करना, इसी छोटी छोटी चीज़ों से राष्ट्र निर्माण होगा। तो गुरुदेव के जो हिंदू राष्ट्र संकल्पना में हम लोग भी हमारा छोटा सा योगदान देना चाहते हैं ये मैसेज के साथ में कि गुरुदेव आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन आपने जो संकल्प लिया है उस संकल्प में साथ हम पूरा उमरेड मंडल और हमारे साथी और हम लोगों को फॉलो करने वाले जितने भी लोग हैं वो रहेंगे। ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव महा महोत्सव मनाया जा रहा है। अन्नपूर्णा में लोग प्रसाद और भोजन पा रहे हैं और इसके अलावा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर से आशीर्वाद भी ले रहे हैं। शिवेंद्र शुक्ला, बंसल न्यूज़, छतरपुर।